दोस्तों, अगर आप अपने पैसों पर और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने पैसों को निवेश करके टैक्स बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, तो डाकघर की एफडी स्कीम आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी एफडी निवेश के लिए एक सुरक्षित और गारंटीड स्कीम है। गारंटीड मतलब इसमें निवेश करेंगे तो निश्चित ब्याज मिलेगा, यहां तक कि इसे बैंक एफडी की तुलना में भी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। पोस्ट ऑफिस में एफडी करने के चार विकल्प है और सभी में ब्याज दरें आकर्षक हैं। एफडी के चार विकल्प होने से इसमें लिक्विडिटी बेहतर है, यानी जब आपको पैसों की जरूरत हो तो आप एफडी से पैसा निकाल सकते हैं या फिर एफडी के बदले लोन ले सकते हैं, तो जरूरत के समय आपको पैसों की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन टैक्स का फायदा सिर्फ एक ही विकल्प में मिलता है। इस एपिसोड में आगे हम आपको पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों को फायदा हो जाए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस एफडी की ब्याज दर जान लेते हैं। अभी से लेकर जून तक इन एफडी में पैसे लगाएंगे तो मैच्योरिटी तक कितना ब्याज मिलेगा वो जान लेते हैं। तो एक साल की अगर एफडी करेंगे पोस्ट ऑफिस में तो मैच्योरिटी तक 6.9% हर साल ब्याज मिलेगा। दो साल तक की एफडी करेंगे तो मैच्योरिटी तक हर साल 7% ब्याज मिलेगा। तीन साल की एफडी करेंगे तो मैच्योरिटी तक हर साल 7.1% ब्याज मिलेगा। और अगर 5 साल की एफडी करेंगे तो मैच्योरिटी तक हर साल 7.5% ब्याज मिलेगा। अब टैक्स फायदा क्या है वो जान लेते हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से 5 साल की एफडी में निवेश की गई 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ATC के तहत टैक्स छूट मिलती है। जिस वित्त वर्ष में आप निवेश करेंगे उसी वित्त वर्ष में टैक्स छूट का लाभ ले सकेंगे। लेकिन ब्याज से होने वाली कमाई 40,000 या ज्यादा है तो TDS कटेगा। सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 50,000 है। तो पोस्ट ऑफिस की अलग अलग स्कीम में अगर आप 10 लाख रुपया एफडी कराते हैं तो कितना फायदा होगा वो जान लेते हैं। तो मान लिया कि 5 साल के लिए अगर आप 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो ब्याज अभी मिल रहा है 7.5% हर साल। 7.5% हर साल ब्याज के हिसाब से मैच्योरिटी पर 10 लाख बन जाएगा 14,49,948 रुपए। इस तरह से ब्याज का फायदा हुआ 4,49,948 रुपए। अगर 3 साल के लिए 10 लाख रुपया एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो अभी जो ब्याज है वह 7.1% हर साल, तो मैच्योरिटी पर आपकी कुल रकम बन जाएगी 12,35,075 रुपए। इस तरह से ब्याज का फायदा हुआ 2,35,075 रुपए। अगर 2 साल की एफडी पर आप पैसे लगाते हैं 10 लाख रुपया निवेश करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो मैच्योरिटी तक आपको ब्याज मिलेगा 7%। तो इस हिसाब से मैच्योरिटी पर कुल रकम हो जाएगी 10 लाख का 11,48,882 रुपए और ब्याज का फायदा हुआ 1,48,882 रुपए। अगर पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए एफडी कराते हैं 10 लाख रुपए तो अभी ब्याज मिल रहा है 6.9% हर साल, तो इस तरह से मैच्योरिटी पर आपको कुल रकम मिलेगी 10,70,806 रुपए, यानी ब्याज का फायदा हुआ 70,806 रुपए। पोस्ट ऑफिस स्कीम के फायदे भी जान लीजिए। तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी एफडी में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए निवेश की सुविधा है एक बार में। इसमें सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट खोलने की सुविधा है। ज्वाइंट अकाउंट में 3 एडल्ट हो सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट मतलब किसी और के साथ मिल करके खाता खोलना। इस स्कीम की खास बात है कि एक निवेशक कई अकाउंट खुलवा सकता है। कम से कम 1,000 रुपए जमा करने पर किसी भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुल जाता है। अधिकतम जमा की लिमिट नहीं है, मतलब जितनी मर्जी हो उतना आप निवेश कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी में। इस स्कीम में 5 साल के लिए किए गए निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से। अकाउंट को सिक्योरिटी के रूप में रखकर आप इसके बदले लोन भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट डिपॉजिट होने की वजह से रिस्क नहीं रहता है और एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में खाता ट्रांसफर आप कर सकते हैं आसानी से। कुछ लोग जानना चाहते होंगे कि बैंक एफडी के मुकाबले पोस्ट ऑफिस एफडी कितनी सुरक्षित है। तो पोस्ट ऑफिस एफडी बैंक एफडी की तुलना में सुरक्षित निवेश है, क्योंकि इसमें निवेशक की पूंजी और कमाए गए ब्याज पर सरकारी गारंटी मिलती है। वहीं बैंक एफडी में आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन या DICGC के नियमों के हिसाब से पूंजी और ब्याज पर अधिकतम 5 लाख रुपए तक की रकम पर ही सुरक्षा मिलती है।
तो सुरक्षा के लिहाज से बैंक एफडी के मुकाबले पोस्ट ऑफिस एफडी बेहतर स्कीम है। दोस्तों, डाकघर की बचत योजनाओं में एक साल की सावधि जमा, दो साल की सावधि जमा, तीन साल की सावधि जमा और पांच साल की सावधि जमा के अलावा बचत जमा खाता, पांच साल की रेकरिंग जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS, नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट स्कीम यानी NSMIS, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब PPF, किसान विकास पत्र मतलब KVP और सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम यानी SSY में भी पैसे लगाकर आप पैसे कमा सकते हैं और इसमें कई स्कीम में आपको टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम के बारे में प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा जरूर लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।